हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और मैं आज हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जो कि मैं एक एक करके अभी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहां पर ढेर सारी वीडियोज आपको मिलेंगी, जिनको देख करके, जिनको पढ़ करके। पढ़ने के लिए आपको हमारा वेबसाइट में कैसे यूज करना है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप इन सारी चीजों को करके एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। जनवरी के महीने में एग्जाम होने वाले हैं, तो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे आ करके, आई मीन जो यूट्यूब चैनल है या फिर जो हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे आ करके आप रीड कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसको देख करके आपकी जो प्रिपरेशन है वो ठीक तरीके से हो पाएगी, ठीक है ना। तो यूट्यूब चैनल का नाम है कॉमर्स की पाठशाला। आप गूगल पे सर्च करोगे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करके किस तरीके से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ से भी वीडियोज को डायरेक्टली वॉच कर सकते हो, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना, जिसका नाम है commerceepathshala.blogspot.com। ये हमारे वेबसाइट का पूरा नाम है, ठीक है, commerceepathshala.blogspot.com, है ना। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आई मीन ये टाइप करके आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इग्नू एमकॉम के ऊपर आना है। आप जैसे ही इग्नू एमकॉम के ऊपर क्लिक करेंगे, आप नीचे की तरफ आओगे, आपको इग्नू का जो कोर्स है एमकॉम का, उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको एमकॉम फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स और एमकॉम सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको नोट्स वॉच करने हैं और पढ़ने हैं, है ना, रिटन नोट्स यहाँ पे हैं, जिसको पढ़ करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस वॉच करनी है तो बगल में देखो यूट्यूब लेक्चर्स है, इस वाले बटन के ऊपर, जो रेड वाला बटन है यूट्यूब लेक्चर्स का, जो हाइपरलिंक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे लेके चला जाएगा, जहाँ पे आप वीडियोज को देख करके आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। समटाइम्स क्या होता है कि रिटन नोट्स में हमें समझ में नहीं आता कि टॉपिक में क्या बताया गया है, राइट। आप अगर वीडियोस वॉच करना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियोस भी अवेलेबल है ना। तो आज हम करने वाले हैं IBO 1। तो IBO 1 का हम एक टॉपिक करेंगे, यूनिट 5 का। तो देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्लिक करना है इस ब्लू वाले जो हाइपरलिंक है उसके ऊपर। आप जैसे ही ब्लू वाले हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। इन सारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बुक में से आए हुए हैं। आप अगर बुक बुक अपना पलटोगे तो जो आपका बुक का एंड पॉइंट होता है, जहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली वहां से लिखे हुए हैं। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, ठीक है ना। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरीके से करके टोटल 20 यूनिट है आई गेस आपके IBO 1 में। तो ये सारे के सारे यूनिट्स विद आंसर्स अवेलेबल है। कुछ कुछ अभी सब्जेक्ट्स के आंसर्स अवेलेबल नहीं कर पाया हूँ मैं, बट मैं कर रहा हूँ अभी। एक्चुअली मैं सेकंड ईयर के आंसर्स को अपलोड कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, बट स्टिल आप वीडियोज को वॉच करके एग्जाम में आसानी से मार्क्स अच्छे ला सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, है ना। यूनिट 5 का एक टॉपिक मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि है ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही कॉमन टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए। देखो यहाँ क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे बताए हैं आपको, हर एक यूनिट में 3-4 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं थॉरली, मैं उन सारे क्वेश्चन को ही वीडियो बना करके अपने यूट्यूब पर डालता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है ना। तो जो वीडियो अभी बनने वाला है वो होने वाला है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा आंसर जो है ग्लोबलाइजेशन का वो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन, और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन का डिस्क्राइब वेरियस फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो, ग्लोबलाइजेशन का होना क्यों जरूरी है, ग्लोबलाइजेशन क्यों होता है, किन सारे फोर्सेस के कारण होता है, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। सो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी और अंडरटेकिंग बिकम्स वर्ल्ड वाइड इन स्कोप, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस या फिर एक्टिविटी जिसके जरिए से कोई एक अंडरटेकिंग, मतलब कोई एक एंटरप्राइज, कोई एक कंपनी जो है वो वर्ल्ड वाइड हो जाती है, वो ग्लोबल हो जाती है, मतलब जो उसका काम करने का जो स्कोप है वो इंडिया में ना रह करके इंडिया के बाहर भी चला जाता है, और वो कंपनी जो है इंडिया के बाहर भी काम कर रही होती है। जैसा कि आपको पता होगा SBI एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, लेकिन बाहर में काम करती है, इंडिया के बाहर भी उसके ब्रांचेस हैं। उसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा TCS, इंफोसिस, ये जो कंपनीज हैं ये अपनी सर्विसेज इंडिया के बाहर भी प्रोवाइड कर रही हैं, है ना। तो इन सारी कंपनी को हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन का असर, इन सब के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का असर पड़ता है। ये अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेकर के चली गई है, अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के बाहर भी जाकर के सेल करती है,
ओके, इट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ बॉर्डर्स एंड बैरियर्स इन द ट्रेड बिटवीन नेशंस, है ना। यहाँ पे देखो जो बात बोली गई वो ये है कि जो बॉर्डर्स एंड बैरियर्स हैं दो नेशंस के बीच में, है ना, उन सबको खत्म करने का काम जो है ग्लोबलाइजेशन ने किया है। ग्लोबलाइजेशन के कारण से ये जो दोनों में जो एक तरह का डिफरेंस था उसको खत्म कर दिया गया है ना, बॉर्डर्स को खत्म कर दिया गया। ऐसा नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ इंडिया में रहते हो तो इंडिया में ही बेच सकते हो, आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। सो ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज्ड परमिटेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल बाउंड्रीज एंड ऑलमोस्ट एवरी काइंड इंक्लूडिंग फिजिकल बॉर्डर्स सच एज टाइम एंड स्पेस। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से दिख भी पाएगा और आप समझ भी पाओगे। ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, ये आई गेस ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज्ड परमिटेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी काइंड इंक्लूडिंग फिजिकल बॉर्डर्स सच एज टाइम स्पेस नेशन स्टेट्स एंड इकोनॉमीज इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड लेस टेंजिबल बॉर्डर्स सच एज कल्चरल नॉर्म्स। ये सारी की सारी चीजें जो है फैक्टर्स हैं, इन सबको खत्म कर इन सबको खत्म कर दिया जाता है, इन सारे बाउंड्रीज को तोड़ दिया जाता है जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो, है ना। हर एक तरह की बाउंड्री, चाहे यहाँ पे फिजिकल हो, ट्रेडिशनल हो, नेशन स्टेट्स की बाउंड्री हो, इकोनॉमीज की बाउंड्री हो, इन सब को एक तरीके से ब्रेक कर दिया जाता है जब भी ग्लोबलाइजेशन होता है तो। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड ग्लोबल ऑपरेशन द ग्लोबल इकोनॉमी इज बिकमिंग मोर इंटीग्रेटेड देन एवर बिफोर, है ना। जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन का असर जो है कंपनीज के ऊपर पड़ता है तो कंपनी जो है धीरे धीरे करके और भी ज्यादा इंटीग्रेटेड होती जा रही है पहले से भी ज्यादा। This gradual integration leads to the emergence of global village. अब ये जब integration होता है, तो इस integration के कारण एक global village तैयार होता है। मैं अगर एक सबसे अच्छा example अभी दूं, तो आपने Apple का नाम सुना होगा, आपने Microsoft का नाम सुना होगा। ये कंपनी तकरीबन हर एक कंट्री में है, शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जहां पे इसके प्रोडक्ट्स या इसका सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये एज ए वर्ल्ड को पूरा अपना ग्लोबल विलेज देखती है, ग्लोबल अपना कंज्यूमर देखती है, हर एक कंट्री में जाकर के अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, है ना। तो इसके कारण से ग्लोबल विलेज का निर्माण जो है वो हो रहा है। अब बात कर लेते हैं मेजर फोर्सेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मेजर फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन सबसे पहला है इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द इयर्स, द ग्रोथ एक्सपीरियंस इन द रेंज ऑफ 4-10% पर एनम, है ना। जो बात यहाँ पे बोली जा रही है वो ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हर साल तकरीबन 4-10% के हिसाब से बढ़ रहा है और बहुत ही सब्सटेंशियली हर साल इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड हैज ग्रोन मोर फास्टर देन द वर्ल्ड इकोनॉमी इन रिसेंट ईयर्स। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में चेक करोगे कि उसका परसेंटेज किस तरीके से वो बढ़ रहा है, तो उसके मुकाबले में जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ज्यादा गति से बढ़ रहा है, राइट। फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेड इज द प्राइमरी व्हीकल फॉर रियलाइजिंग द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हर एक डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, हम जिस कंट्री में रहते हैं इंडिया, यहाँ ये एक डेवलपिंग कंट्री है, राइट। तो हमारा जो प्राइमरी व्हीकल है, जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट जो है हमें अच्छा मिल पा रहा है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो पाया है ना। डेवलपिंग कंट्रीज में इसका बेनिफिट थोड़ा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्कोप है, आप बाहर ज्यादा आसानी से जा सकते हो, राइट। तो ये हमारे लिए प्राइमरी व्हीकल है जिसके जरिए हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है वो ठीक तरीके से डेवलप कर पाता है और आगे जाकर के एक डेवलप्ड नेशन बन पाता है, राइट। सो ग्रोथ ट्रेड हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ऑनगोइंग शिफ्ट ऑफ सम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटीज फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू डेवलपिंग कंट्रीज व्हिच फर्दर एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं इसके कारण से एक तरीके से जो एक्सेलरेशन है काम में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज एक्टिविटीज में, काम को बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन मिलता है जिसके कारण से ग्लोबलाइजेशन में भी हेल्प मिलता है और ग्लोबलाइजेशन के कारण हमें हेल्प मिलता है क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड हमारे पास ज्यादा आएगी तो सप्लाई ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करनी होगी, राइट। तो इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का हमारे इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। The creation of World Trade Organization in 1995 is another step towards creating an environment conducive to the exchange of goods and services, है ना? 1995 में World Trade Organization का निर्माण किया गया था, जैसा कि आपको पता है उसके पहले GATT चलता था, General Agreement on Trade and Tariff, आपने नाम सुना होगा। तो उसको खत्म करके WTO 1995 में क्रिएट किया गया जिसके बाद से ग्लोबलाइजेशन को और हवा मिली और ग्लोबलाइजेशन जो है और भी अच्छे तरीके से हो पाया, है ना।
another significant and more important indicator of globalization is the fast is the rate of domestic gross domestic product GDP. आपने सुना होगा इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो जीडीपी के ऊपर भी पड़ता है. जीडीपी जो है तकरीबन हर एक कंट्री की बहुत अच्छे से बढ़ रही है और वर्ल्ड लेवल पर भी इसका जो है असर पड़ता है ना. द वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड एंड वर्ल्ड जीडीपी हैव बीन स्टेडीली ग्रोइंग सिंस 1990. 1990 के बाद से ये दोनों को दिनों दोनों चीजें जो मर्चेंडाइज ट्रेड है ना और जो जीडीपी है दोनों ही बहुत ही सब्सटेंशियली बढ़ रही हैं 1990 के बाद से. द रेट ऑफ ग्रोथ इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इज फास्टर देन द रेट ऑफ ग्रोथ इन द वर्ल्ड जीडीपी. जो मर्चेंडाइज ग्रोथ है उसका जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा गति से बढ़ रहा है अगर आप मुकाबला करोगे वर्ल्ड जीडीपी के साथ. तो इसका रेट ऑफ परसेंटेज, इसका जो परसेंटेज ऑफ रेट है, इसका जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है. ठीक है. द वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड हैज आल्सो बीन द ग्रोइंग फास्टर देन द वर्ल्ड मर्चेंडाइज प्रोडक्शन. ऑफ कोर्स वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड, वर्ल्ड मर्चेंडाइज प्रोडक्शन एंड वर्ल्ड जीडीपी हैव डिसेलरेटेड शार्पली इन द 1998 ड्यू टू ऑयल क्राइसिस, फॉल इन प्राइसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेवरल फैक्टर्स. यहां पे एक बात बोली गई 1998 की ऑयल क्राइसिस की. जब ऑयल क्राइसिस होता है तो इसका जो है असर वो वर्ल्ड एक्सपोर्ट के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर पड़ता है. और इसी कारण से एक बार देखा गया था 1998 में जब ये ऑयल क्राइसिस हुआ कि जो प्रोडक्शन था मर्चेंडाइज का वो एक्सेलरेट करने के बजाय डिसेलरेट हो गया था, है ना, डिसेलरेट हो गया था. मतलब वो बढ़ नहीं पा रहा था, वो घटता जा रहा था. तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो हुई थी 1998 में. अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज की. सो अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड मैसिव कैपिटल फ्लोज अमंग कंट्रीज हैज फर्दर स्ट्रेंथन ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, है ना. तो बहुत सारी कंट्रीज में मिल करके यू नो कैपिटल का फ्लो बहुत ही तेजी से हो रहा है. आपने सुना होगा एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया में भी बहुत सारा एफडीआई हो रहा है. और 1990 के बाद से तकरीबन चाइना में भी बहुत ज्यादा एफडीआई गया, जिसके कारण से वो लोग जो है एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी अभी है. तकरीबन 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हमें भी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. चाइना हमसे भले ही बहुत आगे हो लेकिन हमारे पास एडवांटेज ज्यादा है. हमारे पास स्किल लेबर है, स्किल लेबर तैयार किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, एंड हमारे पास रिसोर्सेज हैं. डेफिनेटली हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 70% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है. सो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हमारे पास, अगर हम ठीक तरीके से काम करेंगे तो हमारा जो कैपिटल फ्लो, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, वो और बेहतर हो पाएगा और एफडीआई हम और इंडिया में ला पाएंगे. और अच्छे तरीके से काम करके यू नो हम एक वर्ल्ड इकोनॉमी बन सकते हैं, एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी हम लोग बन सकते हैं. The catalyst for globalization is the late 80s and 90s is not international trade but cross-border international finance flows. है ना, जो कैटलिस्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं था बल्कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस फ्लो हो रही थी एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, इसके कारण भी ग्लोबलाइजेशन को काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिली. जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में गूगल ने इन्वेस्ट करा जियो पे, है ना, जियो पे वो कंपनी पे इन्वेस्ट करा, बट वो पैसे जो है वो आए कहाँ से, वो आए किसी और कंट्री से, हमारे कंट्री में आए, है ना. तो इसका मतलब ये एफडीआई हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कंपनी जो है बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है. तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट की बात जो है 80s और 90s में बहुत ज्यादा होती थी, जिसके कारण से ग्लोबलाइजेशन भी हुआ. अब क्यों हुआ, देखो जब गूगल जियो में इन्वेस्ट करेगी तो सारा का सारा काम तो जियो नहीं करने वाली है, है ना. वो पैसे के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी, अपने रिसोर्सेज भी देगी, जिसके कारण से जो जियो है उसको भी हेल्प मिलेगा, साथ ही साथ जो उसके साथ जो एसोसिएट मेंबर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे उनको भी हेल्प मिल पाएगा, है ना. उसके कारण से वो और भी अच्छी बेहतर कंपनी बन सकती है ना. तो इसका जो ग्लोबलाइजेशन का जो फायदा है वो इसी तरीके से होता है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हो, आप एफडीआई का आदान प्रदान करते हो, जिसके कारण से आपकी इकोनॉमी जो है वो और बेहतर बनती जाती है. वर्ल्ड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एफडीआई हैव बीन ग्रोइंग growing significantly. The inflow of FDI has increased from $359 in the year 1996 to $644 billion in 1998. थोड़ी सी पुरानी बुक है हमारी तो इसमें ऐसे ही है. तो ये मैं डायरेक्टली आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ, ये जो सारे नोट्स बनाए गए हैं आपके बुक से बनाए गए हैं. तो इन सारे नोट्स को अगर आप आंसर में मेंशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जो डेटा जो है ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, ये 1996 का डेटा है, 1998 का डेटा है ना. बट ये गलत नहीं है, डेटा बिल्कुल सही है क्योंकि उस ईयर के हिसाब से आपको बोला जा रहा है ना. तो आप आंसर में इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. या फिर अगर आपको रिसेंट डेटा लिखना है तो फिर आपको गूगल पे टाइप करके चेक करना होगा कि हमारा जो एफडीआई का फ्लो है वो इस ईयर कितना था और पिछले ईयर कितना था, ताकि आप कंपेयर कर पाओ, है ना. लाइक वाइज द आउटफ्लो ऑफ एफडीआई हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम $388 billion टू $649 billion. तो ये बढ़ रहा है ना, जो ये जो हमारा एफडीआई हर साल बढ़ रहा है और अभी के टाइम पे तो हम आई गेस ट्रिलियन पे काम कर रहे हैं. दीज लेवल्स वेयर रीच्ड
Despite the unfavorable condition in the world economy, FDI flows grew in 1998 by 39% in case of inflows and 37% in case of outflows. है ना? Outflow के मामले में 37% और inflow के मामले में 39% जो है हमारा बढ़ा है. This is the highest growth rate attained in the FDI since 1987. है ना? और ये जो growth है 1987 के बाद बहुत ही बड़ा growth था जो कि 1998 में हुआ था. ये 1998 की ही बात बोली जा रही है. राइट अब बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन में जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है वो भी बहुत ही रैपिडली होता है. टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होने के कारण कंट्री भी जो है खुद में स्ट्रेंथन होती है कि वो प्रोडक्ट्स को अब खुद से भी बना सकती है ना. टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ओवर द लास्ट 3 सेंचुरीज हैव इंटीग्रेटेड द वर्ल्ड इकोनॉमी. है ना? जो पिछली 3 सेंचुरीज रही है उसके कारण से उसमें जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है पूरी की पूरी इकोनॉमी को मतलब एक तरीके से इंटीग्रेट करने में. अब आप सोचो कि इंडिया से अगर आपको अमेरिका में ट्रेवल करना है, आपको अगर वहां पे अपने सामान को बेचना है, तो सबसे पहले आपको अपने सामान को इंडिया से अमेरिका ले करके जाना होगा. है ना? तो पिछले 3 सेंचुरीज में जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो इतना बेहतर हो गया है कि पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो गई है ना. वो बात यहाँ पे बोली जा रही है. द एडवांसेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव आल्सो ब्रॉट पीपल ऑफ द वर्ल्ड नियर. है ना? ये जो है पूरी दुनिया के लोगों को अब नजदीक भी लेकर के आया है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में, और इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पड़ता है. है ना? The revolution of technology has that has taken place in transport, communication, and information is of qualitative difference during the last 10 years from that of previous generation of technology. है ना? अगर आप प्रीवियस जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो हर 10 साल जब भी आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आने वाले 10 साल है वो सबसे बेहतर है, जो बेहतर थे. है ना? अभी अगर आप 2010 से लेके 21 तक की बात करो तो जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी हुई है पिछले 10 सालों में, ये एडवांसमेंट पिछले 10 सालों में भी नहीं हुई. है ना? मतलब 2010 से 2001 से 10 के बीच में भी उतनी एडवांसमेंट नहीं हुई है जितना 11 से 21 के बीच में हुई. है ना? तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो नेक्स्ट जन जो प्रीवियस जनरेशन था उसमें टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है, आई मीन जो डेवलपमेंट है, वो बहुत ही रैपिडली नहीं हो पा रहा था, बट अभी जो है वो रैपिडली हो पा रहा है. है ना? और इसका असर सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को बोला जा सकता है. देखो वाइस वर्सा इफेक्ट है. ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इम्पैक्ट इफेक्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है. दोनों से दोनों को फायदे हैं. It is not only the integrating but also bringing into existence a common culture, common political system. है ना? और इसके कारण से देखो common culture और common political system भी create होता है world environment में. It has also led expertise like OHAME think that there is no concept of national consumer. Consumer preference can be global and regional. है ना? तो OHAME उन्होंने कहा कि जो कंज्यूमर है, देखो एक कंट्री में जब आप काम करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हो, बेचते हो, तो आपको लगता है कि आपके जो कंज्यूमर है वो सिर्फ इंडिया में ही है. है ना? ये आपको लगता है, बट बाद में ये बात बोली गई वहां में के द्वारा जो कि एक एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि जो कंसेप्ट है नेशनल कंज्यूमर का वो गलत नहीं है, वो एक तरीके से उसको और भी एक्सपेंड किया जा सकता है. जो कंसेप्ट है वो रीजनल हो सकता है या फिर ग्लोबल भी हो सकता है. मतलब जो प्रोडक्ट आप इंडिया में बेच रहे हो सकता है इस प्रोडक्ट की डिमांड और भी कंट्रीज में हो, बट चूंकि आपने अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल लेकर के नहीं गए हो तो आपको पता ही नहीं कि किसकी कहाँ पे कितनी डिमांड है, क्या पोटेंशियल है, आप पोटेंशियल को चेक नहीं कर पाते हो. पहले आप सोचते थे कि नहीं, आपका सिर्फ जो कंज्यूमर है वो नेशनल है, आपके देश में ही जो कंज्यूमर है वही सिर्फ आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल लेकर के गए, आपको पता चला कि बाहर में भी बहुत सारी डिमांड है आपके प्रोडक्ट की. है ना? तो ये बात बोली गई थी ओहामे के द्वारा. और आखिरी जो पैराग्राफ है उसको भी पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा. ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा. टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हैज बीन रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग ऑल द प्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. टेक्नोलॉजी हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. है ना? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये बहुत ही रैपिडली हो रहा है, जिसका असर जो है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पड़ रहा है. ग्लोबलाइजेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो पा रहा है ड्यू टू दीज ट्रांसफॉर्मिंग थिंग्स. है ना? और जो टेक्नोलॉजी हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस. अभी अगर आपको कॉम्पिटिशन में रहना है तो आपको टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बेहतर होना होगा. मैं अगर आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दूं तो अभी जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, इसमें देखना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है,
लेकिन सर्विसेज उतना अच्छा नहीं है। टेक्नोलॉजी भी प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले में बहुत ही खराब है। मैं अगर पीएनबी की बात करूं तो मेरा एक अकाउंट था पीएनबी में और मैं एचडीएफसी में, मुझे मजबूरन वहां पे अकाउंट खुलवाना पड़ा क्योंकि जो सर्विसेज थी मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी। टेक्नोलॉजी के मामले में भी थोड़ा सा स्लो था, लेकिन अगर आप एचडीएफसी की बात करेंगे तो वो हमेशा लाइक आपको पुश करते रहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आप हमारे पास से ये करो वो करो। तो उनका टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग है कि आप घर बैठे आप सारे काम को कर सकते हैं, है ना। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए, किसी भी तरह का कंपटीशन हो, है ना, किसी भी तरह का कंपटीशन हो लाइफ में, आपको टेक्नोलॉजिकल चीजों में बेहतर होना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन में रह पाओगे, है ना। इन मॉडर्न प्रोडक्टिव प्रोडक्शन एक्टिविटीज कॉम्पिटिटिवनेस एंटेल्स न्यू मोर रैपिड प्रोडक्शन प्रोडक्ट इनोवेशन फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स ग्रेटर नेटवर्किंग एंड क्लोजली इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम अक्रॉस फर्म्स एंड रीजन्स। तो ये सारी की सारी चीजें जो अभी आपको बताई गई, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स, प्रोडक्ट इनोवेशन, ग्रेटली नेटवर्किंग, ग्रेटर नेटवर्किंग और इंटीग्रेशन, सारी की सारी चीजों में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कॉम्पिटिटिव बनाए रखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि कॉम्पिटिटिव आप रहो तो आपको इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। द लीडर ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज आर इवॉल्विंग न्यू स्ट्रेटजीज इन रिस्पॉन्स। अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग हैविली इन इनोवेशन, दे आर मूविंग देयर टेक्नोलॉजिकल एसेट्स अराउंड द वर्ल्ड टू मैच देम टू इमोबाइल फैक्टर्स, एंटरिंग न्यू अलायंसेस एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन रिलेशंस। दिस इज फर्दर फैसिलिटेटेड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो जो प्रोडक्शन सिस्टम है फर्म्स एंड रीजन्स का, उसके अलावा जो लीडर्स हैं, है ना, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इनोवेशंस में, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एसेट्स में और वो उसको दूसरे कंट्रीज को भी बोरो कर रहे हैं, आई मीन उनको भी लैंड कर रहे हैं ताकि वो भी उन सब चीजों का इस्तेमाल करके उनके साथ यू नो एक पार्टनरशिप क्रिएट हो जाता है। एक रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है प्रोडक्शन रिलेशंस को, जिसके जरिए जो है दोनों कंपनीज को, दोनों कंट्रीज की कंपनीज को फायदा होता है और इसके कारण से जो है ये हेल्प करता है ग्लोबलाइजेशन को होने में, है ना। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहीं पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी जिसको देख करके आप अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन ठीक तरीके से कर पाओगे। साथ ही साथ नोट्स के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है, देखो यूनिट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 आप क्लिक करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो निकल के आपके सामने आ जाएगा विद आंसर, राइट। आप इन सबको पढ़ो, अच्छे से स्टडी करो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय, थैंक यू।